चलिए आज अब जलेबी की रेसिपी जानते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं पतीले में 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ। पहले हम जलेबी की चाशनी बनाएंगे। इसके बाद इसमें 1 कटोरी पानी डाल दें, 1.5 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डालें। गैस के फ्लेम को ऑन कर दें। जब तक चीनी न घुले तब तक इसे लगातार चलाते रहें। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब इसमें फूड कलर डाल देंगे। मैं यहाँ पर पीला वाला फूड कलर डाल रही हूँ। जब भी हम इसमें जलेबी डालेंगे जलेबी में इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसके बाद आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दें, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। जलेबी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। देखिए अब चाशनी हमारी उबल चुकी है। इसके बाद हम 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। चाशनी आप जब भी बनाए उसमें नींबू का रस जरूर डालें। चाशनी में 1 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी अब बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम जलेबी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ले रही हूँ, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बेसन। हलवाई भी अपनी जलेबी में बेसन डालते हैं तो आप भी बेसन जरूर डाल लें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी पानी लगता है। इसके अलावा 1 चम्मच हम नींबू का रस डाल देंगे। और जब भी आप मार्केट से जलेबी लाते हैं तो थोड़ी सी खट्टी लगती है खाने में, तो उन लोग क्या करते हैं ना, 1 दिन पहले ही घोल बना के डाल देते हैं जिससे उसमें खमीर उठ जाता है। तो यहाँ पर तो हम तुरंत बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर हमें 1 नींबू का रस और 1 पैकेट इनो डाल देना है जिससे उसे खमीर उठ जाएगी। अब घोल बन के तैयार है। अब हम जलेबी बनाने की तैयारी करेंगे। एक सॉस का डब्बा ले लें, उसमें आप घोल को डाल दें। घोल हमारी मालपुए की घोल की जैसी रहनी चाहिए, न ज्यादा पतली न ज्यादा गाढ़ी। आप जब भी जलेबी बनाए तेल को अच्छे से गर्म कर ले। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे, तब जलेबी बनाएंगे, तब हमारी जलेबी खूब परफेक्ट बनेगी। देखिए कितनी अच्छी जलेबी बनी है। तो ये लाल हो जाए तब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और जो हमने चाशनी बनाई है उसमें हम जलेबी को 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी में डालकर छोड़ देंगे, जिससे जलेबी हमारी खूब रसीली बनेगी और खाने बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगेगी। थोड़ी देर के बाद हम जलेबी को बाहर निकालेंगे। देखिए कितनी रसीली बनी है जलेबी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और 15 अगस्त के अवसर पर इसे जरूर बनाएं।